दफा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो दोबारा उसकी जिंदगी में आ गए हो? अंकल, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आया, बात करने आया। नहीं 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 नहीं, तुम उसकी जिंदगी के बारे में अब कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई हक नहीं है तुम्हारे पास, अजनबी हो तुम इसके लिए। ठीक है अंकल, मैं आपके लिए, दुआ के लिए, यहां मौजूद सब लोगों के लिए एक अजनबी, एक गैर हूं, लेकिन मैं आप सबकी इजाजत से एक दफा फिर से उसका हाथ तो मांग सकता हूं ना। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, मैं किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। मुझे तुम्हारे किसी वादे पे एतबार नहीं है, रहा तुम्हारा अकीदा तो वो अपने पास रखो। दुआ का हाथ मांग रहे हो ना तुम, उसके बाप होने की हैसियत से मैं इनकार करता हूं। ये शादी कभी नहीं हो सकती। अपर, चुप करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम, लेकिन इस दफा तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? ना ये कल काबिल एतबार था, ना ये आज काबिल एतबार है। और एक बात याद रखना, तकी से तुम्हारा रिश्ता मैं तय कर चुका हूं, और तकी से ही तुम्हारा निकाह होगा मुकर्रर तारीख पे। जाओ यहां से। तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? और क्या चाहते हो? ताबीन, तुमको मुझसे पूछे बगैर ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। दुआ मेरी इजाजत से गई थी। दयान, जिस तरह आपको दुआ की खुशियों और आफियत की फिक्र है, इसी तरह मुझे भी अपने भाई की खुशियों का ख्याल है, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है। बस आप ही दुआ के मामले में हद से ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, वरना आप उसे इस... ताबीन बेटा जी, बेटा मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं, तुमने बरवक्त तूफान की पेशगोई करके हमारे खानदान की इज्जत बचा ली। ये जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, इनको शराब अक्सर हकीकत लगता है। बेटा, तुम्हें अपनी बेटी समझते हुए तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। जी अपा। बेटा, जो कुछ भी हुआ आज, अगर इसका जिक्र तुम्हारे मैके में ना हो तो बेटा ये हम दोनों खानदानों के लिए बेहतर होगा। अब्बा, आप ये सब कुछ ना भी कहते तब भी ऐसा ही होता। मेरे वालदैन ने मुझे रुखसत करते वक्त यही नसीहत दी थी कि अपने ससुराल की इज्जत को मैगी की इज्जत पर फौकियत देने, इसी में लड़की की इज्जत और कदर अहमियत होती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जी धरो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Thank you.
तुम जानो कभी सदमे सभी दिल पर गुजरे हुए दर्द के लम्हात यूं हमने छुए जैसे कांटे छुए किस तरह हम पतझड़ में जिंदगी गुजारे वो खिजाओं जैसी थी जो भी थी बहारे रुके रुके नैना हो तो उनसे क्या बात हो खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको क्यों तेरे बिना जीना पड़ा ना ये कल काबिले इत्मीनान था ना ये आज काबिले इत्मीनान है और एक बात याद रखना तकी से तुम्हारा रिश्ता मैं तय कर चुका और तकी से ही तुम्हारा निकाह होगा मुकर्रर तारीख क्या मेरी खुशी मेरा सुकून अधूरा नहीं रह जाएगा मैं तुम्हारी हर पसंदीदा चीज को अपनाता गया तुम्हारी पसंद का लाइफस्टाइल तुम्हारी पसंद का खाना तुम्हारा पसंद का रिश्ता क्या मैं अधूरा नहीं रह जाऊंगा सोचा हमारे दरमियान कभी कुछ हुआ ही नहीं था हमारे दरमियान कभी भी कुछ नहीं आया था ना कोई इख्तलाफ ना कोई जुदाई ना कोई लड़ाई हम लोग हमेशा के लिए साथ हैं बस इन पल दो पल के लिए सो गए थे और हमने उठ के देखा तो हम साथ हैं और हम कभी भी फिर जुदा नहीं होंगे प्लीज दुआ साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तबेल में ये दुआ मेरे जज्बों की ताकत इन बढ़ती हुई मूज और लहरों से कहीं बढ़कर है टकरा जाने की ख्वाहिश बहा ले जाने की ताकत फना करने की बेरहमी इस समंदर से ज्यादा है मुझमें वो जो समझते हैं तुम्हें मुझसे जुदा कर देंगे उनकी हैसियत इस गीली सी रेत से बनी दीवार से ज्यादा कुछ नहीं तुम सिर्फ मेरी हो और यह हकीकत कोई नहीं बदल सकता वालेकुम अस्सलाम दुआ तुम्हारे आसपास कोई है हर एक के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा अल्लाह होता है मिस्टर जाब अब तो आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं तो ठीक है तुम अपने उसी खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ दुआ क्या तुम उसके साथ खुश और मुतमईन रह पाओगी मैं जानता हूं दुआ तुम गलत बोल ही नहीं सकती यूं ही तो मैं तुम्हारे इश्क में पागल नहीं हूं तुम बहुत प्योर हो दुआ तुम बहुत स्पेशल हो और तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो दुआ जब तुम इतनी सी बात नहीं बोल सकती तो तुम सारी जिंदगी उससे छूट के सारे कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम जैसी प्योर लड़की कैसे सारी जिंदगी अपने आप को और अपने शौहर को धोखा दे सकती है
नहीं दुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। दुआ मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, आ जाओ मेरे पास, मेरी जिंदगी में बल्कि हमारी जिंदगी में। तुम अधूरी जिंदगी गुजार रही हो और मैं भी तो अधूरी जिंदगी ही गुजार रहा हूँ। ये सब तो सिर्फ जिंदगी का अक्स है, जिंदगी तो है ही नहीं। दुआ मेरी बात सुनो, तुम प्लीज सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। हम दोनों इमाम साहब के पास जाके अभी निकाह कर लेते हैं, और वो हमारे बड़े हैं, हमें अंडरस्टैंड करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। दुआ मैंने ना अपने लॉयर से भी बात कर लिया है, एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, और ये सब कुछ बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है। दुआ प्लीज प्लीज। सॉरी मिस्टर राव, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने घर वालों को किसी अज़ियत में मुब्तला नहीं करना चाहती। मैं तकी से नहीं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर है। तो आप मेरी बात सुन, thank you.
अरे भाई निमरा, मैं शहर तक। निमरा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं कह रहा था मैं शहर तक होके आ रहा हूँ। एक तो हॉल मुझे देखना है, दूसरा मेन्यू वगैरह डिसाइड करना है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो मुझे, या फिर मैसेज कर देना और दुआ से पूछ लो उसको कुछ चाहिए हो तो। सचार, मुझे नहीं लगता कि दुआ इस शादी से कोई भी खुशी महसूस कर रही है। और वह खामोश, गुमसुम, लातालुक, न जाने किन सोचों में रहती है वो। देखो निम्रा, जब तुम उसकी शादी के लिए परेशान थी ना, तो मैं चाहता था कि वो अपनी मर्जी करे, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। लेकिन आज जब मैं ये फैसला कर रहा हूँ तो यकीन जानो मैं खुश तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है ये फैसला उसके लिए ठीक है। मुस्तजाब के साथ जो कुछ भी एक्सपीरियंस वो कर चुकी है, तकी कम अज कम वैसा तो नहीं है, ईमान वाला है। सबसे बड़ी बात, एक दफा शादी हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये खुश रहेगी, मानो मेरी बात। तो शुक्र है आपको हमारी बात समझ तो आई। मैं आता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर। मैं मैसेज कर दूँगी। खुदा हाफिज़। दरवाजा बंद कर दीजिएगा बेटा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शादी की शॉपिंग तो हो गई, बस अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें खैर और बरकत रखे। ये रख बेटा, आमीन। अच्छा भैया आप चाय बना दीजिए, मैं नमाज पढ़ा। हम बना देते हैं। तुम अपने उसी खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ दुआ, क्या तुम उसके साथ खुश और मुतमईन रह पाओगी? मैं आपके लिए, दुआ के लिए, यहाँ मौजूद सब लोगों के लिए एक अजनबी, एक गैर हूँ। लेकिन मैं आप सबकी इजाज़त से एक दफ़ा अपने से उसका हाथ तो मांग सकता हूँ ना। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम्हारे किसी वादे पे एतबार नहीं है। रहा तुम्हारा अकीदा तो वो अपने पास रखो। दुआ का हाथ मांग रहे हो ना तुम, उसके बाप होने की हैसियत से मैं इनकार करता हूं। बादल है आसमान, बारिश होगी शायद। शायद हो। जब आसमान पर इतने बादल हों तो बारिश हो जानी चाहिए, मतलब साफ हो जाता है ना दुआ? तुम्हें रोता देखकर मुझे खुशी मिल रही है। पता है दो, ये आंसू बताते हैं कि ये शख्स अंदर से जिंदा है, खुशी और गम को महसूस करता है, जैसे चाहता है खुश रहना चाहता है। तुम कब से पत्थर बनी हुई थी, हम सब तुम्हें जिंदा और खुश देखने की ख्वाहिशमंद है। मुझे सच सच बताओ, तुम तकी से शादी करके खुश रहोगी या नहीं? तुम सच सुनना चाहते हो दाई? हाँ, और वो सच सुनना चाहता हूं जिससे तुम्हारी खुशियां वापस आओ। Thank you.
मैं तकली से शादी करके खुश नहीं रह सकती। मुझे शायद सारी जिंदगी खुद को धोखा देना पड़े। मैं खुद को धोखा देके शायद जी भी लूं, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसमें तकी को मुझे धोखा देना पड़े। क्योंकि तुम मुस्तजाब से आज भी मोहब्बत करती हो और शायद हमेशा करती रहो, यही ना दुआ? मोहब्बत जब दिल पर लगा घाव बन जाए ना दाई, तो इस घाव का भरना इंसान के बस में नहीं रहता। मुस्तजाब की मोहब्बत दिल पर लगा गहरा जख्म है, बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं यकीन की भी है दुआ। मोहब्बत करती हो उससे मानता हूँ, लेकिन क्या यकीन भी करने लगी हो उस पे? अगर कोई जबान से मुसलमान होने का इकरार करे दाई, तो अल्लाह क्या हुक्म देता है कि उस पर यकीन करो या नहीं? यकीन करो, लेकिन उस यकीन के सहारे अपनी कश्ती मंझधार में ना उतारो। मेरा तो यही मशवरा है। एक बार उसी भंवर में फंसकर बाहर निकली हो तुम दुआ। कहाँ निकली हूँ भाई, कहाँ निकली? उसने पुकारा तो मुझे लगा भंवर से जो निकला वो मेरा वजूद था, तो अभी वही अचकोले खा रहा है। तुम्हारा दिल बजिद है, फिर आजमाओगी उसे, फिर उसी दरिया में कूदोगी। नाता तकी से नहीं, मुस्तजाब से जोड़ना चाहोगी तुम अगर तुम्हें इख्तियार मिले। दुआ तुम्हारी खुशियां आज भी मुस्तजाब से वाबस्ता है। तकी तो रास्ते में कहीं है ही नहीं, तो ठीक है, तुम्हारे भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। तुम उस जाब का हाथ थामो। दाई तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट के फूल हो, तुम्हारी आंखों में कभी दुख और पछतावों के साए ना हो, बस मैं इतना चाहता हूं। और इसके लिए अगर मुझे शीशा पिलाई दीवार बनकर तुम्हारी मुश्किलों के सामने आना भी पड़े तो मैं आ सकता हूं। जाओ दुआ, थाम लो उसका हाथ। लेकिन दयाराम, कल तकिए के साथ मेरा निकाह है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जाओ, वक्त कम है हमारे पास। दाई, अम्मा, अब्बा, ताबीन, तकिए, उसके घर वाले, वो सब क्या सोचेंगे? दुआ, ये सब तुम्हारा मसला नहीं है, इन सब को मैं संभालूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें इस तरह सबके सवालात और इल्जामात के दरमियान छोड़ के नहीं जा सकती। अरे आप लोग यहाँ हैं, मैं पूरे घर में ढूंढती फिर रही। दुआ, अम्मी अबू तुम्हारे निकाह का जोड़ा और बाकी सामान लेकर आते, आओ नीचे आकर सबसे मिल लो। ताबी, तुम चलो, हम आते हैं अभी, जल्दी आना। हाँ
कुछ नहीं हो सकता था, बहुत देर हो चुकी है। दुआ, कोई भी तुम्हें तुम्हारी खुशियों के मुखालिफ से सफर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक मैं हूं। तुम जाओ दुआ, मुस्तजाब के साथ इमाम साहब के पास जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, और यहां पर जो भी हो रहा है मैं संभाल लूंगा। शाबाश। ट्रस्ट मी। तकल्लुफ कर लिया आप लोगों ने। अरे भाई, मामलात इतनी उजलत में तय पाए कि हम ज्यादा तैयारी नहीं कर सके। कैसी बातें कर रहे हैं साले भाई, ये बच्चों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो इजाफी हैं। इतना अच्छा सादतमंद बेटा है आपका, आप हमें वही दे रहे हैं, और आप सच पूछिए, हम दिल से बहुत खुश हैं। बस अल्लाह पाक इन बच्चों को सच्ची और पायदार खुशी अता करे। आमीन आमीन। अरे भाई जरा पता तो करो, कहाँ हैं ये दाई और दुआ, दोनों नजर नहीं आ रहे। मैं गई थी दोनों बहन भाई को बुलाने, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। दाई कह रहे थे वो आ गया आ गया आ गया। कहाँ हो भाई तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? दुआ कहाँ है? मैं यहीं था, ताकि तुमसे एक मिनट जरूरी बात करनी है। हाँ अंकल मैम। हाँ हाँ प्लीज। तो आप इन चीजों की फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा, बच्चे बस खुश रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दोस्ती में अगर खैरात या भीख मिलती हो तो जवाब कर दे यार। ये क्या कर रहे हो दाई, तो तुझे दोस्ती का वास्ता देकर माफी की भीख मांग रहा हूं। मैं दुआ को बहुत चाहता हूं, और चाहत इंसान को कभी कभार बहुत खर्च बना देती है। ताकि मैंने ही तुमसे गुजारिश की थी कि दुआ की जानिब कदम बढ़ाओ, और अब मैं ही तुम्हारे पैर पड़ता हूं कि अपने बढ़ते कदम वापस मोड़ लो। मैं दुआ की खुशियों के खिलाफ नहीं जा सकता, सॉरी तकी। तुम्हारे इल्म में लाए बगैर मैं अपनी दोस्ती का सौदा कराया हूं। मैंने दुआ को मुस्तजाब से निकाह की इजाजत दे दी है। आप अदालत में एक बार मेरे खिलाफ गवाही दे चुके हैं, तो फिर आज एक दफा फिर से आप मेरे खिलाफ गवाही दे दें। मुस्तजाब आज भी वही है, उसके ख्याल आज भी वही हैं। दुआ आज भी मेरी है। आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि हमने दुआ का रिश्ता तय कर लिया। आया तो मैं बिलखसूस आज मुस्तजाब से मिलने के लिए था, लेकिन अब वो चूंकि घर में नहीं है तो आप ही से कह देता हूं, आप समझाएं मुस्तजाब को।
दुआ की तरफ देखना, दुआ के पीछे आना, दुआ का रास्ता रोकना, या फिर ये उम्मीद रखना कि दुआ कभी दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आएगी, ये नहीं हो सकता। कुदरत के फैसले आंधी की तरह मूसूर और तूफान की तरह ताकतवर होते हैं बॉबी। इंसान के वजूद को तिनके की तरह उड़ा के ले जाते हैं और हकीकत की पथरीली जमीन पर मुंह के बल पटक देते हैं। जो खुदा को नहीं समझ पाते और खुद को खुदा समझ बैठते, खुदा उन्हें उनकी औकात समझाने में बस एक लम्हा लगाता है। कोई नहीं अलग कर सकता, सुना आपने? दुआ को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो, हेलो दुआ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जाओ, हम अभी इमाम साहब के पास चल रहे हैं, मस्जिद जमालपुर। हम जी निकाह के लिए। दाई ने इजाजत दे दी है, मैं आपका हाथ थाम सकती हूँ। तुम सच कह रही हो दुआ? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा मुस्तजाब, लेकिन यही सच है। मैं जीत गया मॉम, मैं एक दफा फिर जीत गया। मैं जा रहा हूं उसको लेने, बादशाहों की तरह वापस लौटूंगा अपनी जीत के साथ। जश्न मनाऊंगा मैं, और इस जश्न में आप भी हमारे साथ होंगे। उसको लेने जा रहा हूं।